खौफ से मरे हुए हैं ये, इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो मुसीबत, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इधर है, उससे ऊपर वो चली जाएगी स्पेस में। अगर इमरान खान को नाअहल करते हैं फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान में जाएगी। इनको समझ नहीं आ रहा, हवास बाख्ता हो गए, इलेक्शन ये नहीं करा सकते क्योंकि इलेक्शन जब भी कराएंगे पीटीआई जीतेगी। खान साहब खंबे को टिकट दे देंगे, पत्थर को दे देंगे, वो जीत जाएगा। तो इस वक्त ये बहुत तजबजब में है, इनको समझ नहीं आ रहा कि जाते जाते हम कौन कौन सा बिल ना पास करा लें। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में भी दरार पड़ चुकी है क्योंकि सवा साल में इसहाक डार एंड पार्टी ने शहबाज शरीफ को ऐसे गिराया है। उन्होंने कहा अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत कामयाब होगी तो नवाज शरीफ नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को फेल कराया ताकि नवाज शरीफ को लेके आए। तो आप देख लें, आप ये सारे वो जो है ना, क्या मैं बोलूं कि ये अब सब अलग अलग हो गए। इमरान साहब का और पीटीआई का मुस्तकबिल रोशन है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन आता है। तो हालात सदा एक जैसे नहीं रहते और हालात बदलेंगे, और आप हम खड़े हुए हैं, आप देखिएगा के हालात बदलेंगे। लेकिन बहुत से रानुमा अभी भी अंडरग्राउंड है, आपके छुपे हुए हैं मुराद सईद वगैरह, वो उनके साथ जो भी कुछ है वो तो देखें, ये सियासत का रुख है, सियासत में ऐसे होता है। तो अपना जरा दिल बड़ा करके सियासत में आना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके काम आसानी से हो, हम सबके लिए दुआ गो हैं, हाँ वो पार्टी की इस तरफ है या उस तरफ है। कहाँ है आजकल ये लोग, बाहर आउट ऑफ कंट्री चले गए, इधर पाकिस्तान में है? मुझे तो नहीं पता, मेरा तो अपना नाम उन्होंने एग्जिट कंट्रोल स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है, उनको बड़ा खौफ है मुझसे, मैं पता नहीं क्या कर लूंगी। सेनेटर साहिबा, आप क्या समझती हैं, ब्यूरोक्रेट होना चाहिए निगरान वजीर आजम, कोई जर्नैल होना चाहिए, कोई जज होना चाहिए, या इन द फॉर्म ऑफ जनरल फैज होना चाहिए? जनरल्स का काम है, हमारे बड़े इज्जतदार इंस्टीट्यूशन है हमारी फौज, हम फौज के साथ खड़े हैं, हम खुद फौज में लड़ने को सबसे आगे हैं। लेकिन फौजी का काम हिफाजत करना है, हमारे मुल्क की हिफाजत। आप क्यों उनको ऐसे गलत काम बताते हैं? आपके दौरे हुकूमत में अभी भी गिनती करवा दूं, दर्जनों के हिसाब से हैं ब्यूरोक्रेट्स। और गलती की तो अब हम क्या इस्लाह नहीं कर सकते? इंसान गलती का पुतला है, गलतियां होती हैं, उसके बाद इस्लाह होती है। ब्यूरोक्रेट तो आपको पता है इस मुल्क के हाकिम है, लेकिन हमारा काम है, इस पार्लियामेंटेरियंस है कि हम हक सच की बात करें, हम उनको जगह ना दें, वो अपना काम करे ना भाई, ब्यूरोक्रेसी कुछ डिलीवर करे ना इस मुल्क में, सवाए खाने के अपने लिए मराहत लेने के। मुल्क के लिए एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? टैक्स पेयर पाकिस्तान के हजार रुपए के दिहाड़ी बाज के ऊपर, टैक्स के ऊपर ये सब चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां। अभी आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने 200 गाड़ियां ऑर्डर की हैं 2 अरब 30 करोड़ की, किस खुशी में? एक गरीब मुल्क है, आपके पास IMF से आप कशकोल लेके फिर रहे हैं और आप इस तरह शाह खर्चियां कर रहे हैं। इनको हिसाब देना होगा, और हिसाब कौन लेगा? हम ही लेंगे ना, और तो किसी में माई के लाल में इतना जान नहीं है कि वो इनसे हिसाब ले, कोई मांग भी नहीं। आप लोग क्यों नहीं मांगते? आपका काम है कि किसी पार्टी का हिस्सा ना बने, दरमियान में खड़े होकर दोनों की गलत बातों को पॉइंट आउट करें। आप लोग हमारे बच्चों की जगह, आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, डरे नहीं किसी से। फैसल मस्जिद के अतराफ में रेड़ी लगाने वाले रेड़ी बांध को बत्ता ना देने पर 3 माह कैद बा मशक्कत 5 लाख रुपए जुर्माना स्पेशल मजिस्ट्रेट ने किए CDA के, पार्लियामेंट में कोई आवाज़ नहीं उठी, सेनेट में नहीं उठी, कल आप क्या इस पर बात करेंगे? अगर आप मुझे बिल्कुल आप मुझे इसकी डिटेल दें तो मैं बिल्कुल इस पर बात करूँगा। आज कितनी मुश्किल से मैंने उनसे टाइम लिया, वो तो टाइम ही नहीं दे रहे थे। जिस मुश्किल से हमने उनसे आज टाइम लिया स्पीकर साहब से, और मेरे बाद सारों को मौका मिला बात करने का, तो एजिटेशन नहीं करेंगे तो कैसे हक सच की बात करेंगे? आप दें केस, हम बात करेंगे। 8-8 घंटे समाप्त हो रही है तोशाखाना केस में, इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर दिख तो यही रहा है कि केयर टेकर हुकूमत आने से पहले ही नायल करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहिएगा, व्हाट नेक्स्ट, और क्या PTI चेयरमैन कौन होगा नेक्स्ट? देखें जी, इस वक्त Catch-22 में है, तो इस वक्त ये बहुत तजबजब में है, इनको समझ नहीं आ रहा कि जाते जाते हम कौन कौन सा बिल ना पास करा लें। आपने देखा आज इतनी लंबी लिस्ट थी और आधे बिल उसमें गलत थे, कहीं वो नारकोटिक्स का, कहीं ये लॉ के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से, तो इस वक्त बहुत परेशान है ये, अपने आप का दायरा गासिब होने की तैयारी कर रही है पूरे पाकिस्तान पे, बगैर इलेक्शन के, बगैर मैंडेट के, बगैर जमहूर के, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से। इंटरिम गवर्नमेंट का सिर्फ काम है कि वो इलेक्शंस तक का टाइम गुजारे और जो ज़रूरी काम है वो करे, डे टू डे अफेयर्स, ये हमारा आइन कहता है, जिसको ये ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, जो इन्होंने इस वक्त जो पंजाब और KPK की गैर आइनी हुकूमतें हैं, तो ये अब उसी को बढ़ाने जा रहे हैं।
और ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ आज हमने बहुत एजिटेशन की है जॉइंट सेशन में और इंशाल्लाह कल भी करेंगे, क्योंकि ये गलत है, ये किसी तरह से भी जमहूरी नहीं है और ये जिस किस्म की खिलवाड़ ये करना चाह रहे हैं मुल्क के साथ, ये हम नहीं होने देंगे। मैडम हफीज शेख का भी नाम आ रहा है, वो आपके साबिक वजीर खजाना रहे हैं कि वो भी निगरान वजीर आजम हो सकते हैं क्योंकि IMF के साथ उनके जो ताल्लुकात थे बेहतर है, अगर हफीज शेख आए तो PTI को कबूल होंगे? देखिए बात ये है कि ये IMF का नाम ऐसे ही लगाते हैं, बिजली के बिल पे लगा दिया, हफीज शेख के नाम पे लगा दिया, इनकी अपनी ये पसंद होती है नाम IMF का। आपने पढ़ा नहीं उनका जो इतना बड़ा इलामिया आया है, वो कहते हैं हमें इससे कुछ नहीं है, हमें चाहिए कि तुम्हारा मुल्क सही तरह से चले, जो तुमने मुल्क का डिज़ाइन बनाया हुआ है डिज़ाइन टू फेल, इसको करेक्ट करो, तुम टैक्स कलेक्ट नहीं करते, तुम सारे खुद मुलविस हो स्मगलिंग में, गोल्ड की, ड्रग्स की, गाड़ियों की, सोने की, तो ये इनको पकड़े ना, ये सिस्टम सारा गलत है। हमने 43 मिलियन इनको टैक्स पेयर आइडेंटिफाई किए थे, इनसे टैक्स लो, उनको ये टैक्स लेते नहीं है क्योंकि वो सारे इनके अपने लोग हैं, तो जब तक ये हालात सही नहीं करेगा कोई, ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, आर्टिकल 230A पे हुकूमत के अलावा जो इत्तेहादी जमातें थी, पीपल्स पार्टी और JUIF, उन्होंने भी इतराज़ उठा दिया, तो ये आपके मौकफ को तकवीत नहीं मिली आज? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है, क्योंकि उनको अपना भी तो नजर आ रहा है ना, हमारे मौकफ की तो वो तकवीत नहीं कर रहे, उनको अपना आगे फ्यूचर नजर आ रहा है जहाँ वो लंगड़े लूले होने को जा रहे हैं। और अब ये PTM में आप देख ही रहे थे कि दरार पड़ चुकी है। इलेक्शन वक्त आप क्या समझती हैं? दुआई कर सकते हैं।